गाइस, इस रेसिपी में से मैंने समोसा और एक चाट बनाई है, समोसा चाट और रगड़ा बनाया है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे पहले उंधिया। उंधिये के लिए मैंने तेल लिया है, थोड़ा सा अजवाइन डाला है उसमें, और जो उंधिये में यूज़ करने वाले सारे पापड़ी वटाने और दाने हैं वो सब मैंने लिए हैं निकाल के, और उसको हम मैंने पापड़ी को छोटा छोटा काटा है। गाइस इसको हम सौते करेंगे, उसके अंदर एक चुटकी भर हींग डालेंगे ताकि जब हम प्रेशर कुक करें तो इसके ग्रीन वैसा ही कलर रहे। और गाइस हम नमक भी डालेंगे और उसको अच्छे से सौते करेंगे 5-7 मिनट तक, ताकि दाने में एकदम टेस्ट अच्छा आ जाए। अभी हम इसको इस कढ़ाई को साइड में ले लेंगे। उसमें मैंने खाली देखो कंद और पोटैटो काटा है, खोपरा डालेंगे, ग्रेटेड खोपरा फ्रेश नारियल, ये मैंने लिया है करीबन दो से तीन टेबलस्पून लिया है। मैंने है ना सिंगदाने का भूका लिया है पाउडर, कोर्सली ग्राइंड किया है। अभी मैं ना ग्रीन लहसुन, ग्रीन मिर्ची और थोड़ा सा अदरक और कोरिएंडर सब डाल के ना मैंने एक पेस्ट बना के रखा है। इसके लिए ये पेस्ट बहुत ज़रूरी है। और इसको देखो मैं कर रही हूँ, अभी ये कढ़ाई गैस पे नहीं है, ये मैं साइड पे लेके डाल रही हूँ ये मसाले। गाइस हींग, हल्दी, सूखा मसाला सारा डालेंगे, मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और बस। गाइस अभी हम क्या करेंगे, नमक मैंने अभी इसमें पोटैटो का पटका डाला है, दाने के पटका नमक मैंने ऑलरेडी सौते करते समय डाला है। अभी हम इसको प्रेशर कुक करेंगे 2 विसल के लिए, और जो कढ़ाई है उसमें से पूरा पानी मैंने निकाल के इसमें डाल दिया है ताकि मसाला एक भी वेस्ट न जाए। और अब हम इसको 2 विसल करेंगे, तब तक हम समोसे के लिए आटा गूंदेंगे। मैंने समोसे के लिए गेहूँ का आटा और रवा लिया है, जितना गेहूँ का आटा है उसका 1/4 पार्ट मैंने रवा लिया है। गाइस फिर भी हमारे क्रिस्पी ही समोसे होंगे। इसमें नमक लेंगे, अजवाइन डालेंगे और बटर को या घी को हमें मेल्ट करके डालना है। गाइस अगर थोड़ा सा मेल्ट करके, इसीलिए कि हमें थोड़ा सा घी है ना, थोड़ा सा या तेल या बटर थोड़ा गर्म पार्ट वाला चाहिए इसीलिए। तो देखिए लिक्विड करके हुआ ये मेल्टेड बटर है खाली, और मैं अभी इसको नॉर्मल पानी से उसका आटा गूंद लूँगी। गाइस आटा हम गूंदेंगे नॉर्मल, लेकिन वो थोड़ा कड़क हो जाएगा क्योंकि रवा फूलता है, और फिर हमें वैसा कड़क वाला ही आटा चाहिए। गाइस 3 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर, मेल्टेड बटर या घी लिया है, मैंने घी लिया है, आप बटर ले सकते हैं। अभी देखिए मेरा प्रेशर कुक हो चुका है और देखिए परफेक्ट उंधिये का ग्रीन कलर आ चुका है, लेकिन अभी मुझे इसमें से समोसे बनाने हैं तो मैं उसको स्मैश कर रही हूँ। अभी स्मैश करने के बाद हम थोड़ा टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा, तो मैंने और थोड़ा नमक, कोरिएंडर और थोड़ा सा फ्रेश खोबरा मिला के हम इसका करेंगे। इसके अंदर अब हम नींबू और शक्कर भी डालेंगे। गाइस नींबू और शक्कर का टेस्ट इस रेसिपी में बहुत अच्छा आता है, तो उंधिये में नींबू और शक्कर मिलाना नहीं भूलना चाहिए। शक्कर है ये, खोबरा। गाइस वापस खोबरा डालने से उसका और टेस्ट बढ़ जाता है, तो हमने जब भी प्रेशर कुक किया उससे पहले भी खोबरा डाला था और भी खोबरा डालना है, इसलिए कम से कम हमारा आधा वाटी खोबरा इस हमेशा हमारे उंधिये में जाता ही है। मैंने नींबू स्क्वीज कर लिया है उसके बीच निकाल। गाइस अभी ये जो टेस्टी हमारा स्टफिंग रेडी है, इसको हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। गाइस गाइस इसको अच्छे से फैला के रख लेंगे, देखिए कितना ग्रीन हमारा जो स्टफिंग है। गाइस अभी हम क्या करेंगे, इस आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। देखो अच्छे से कड़क है, जैसा हमें चाहिए वैसा, हमें सॉफ्ट आटा नहीं चाहिए क्योंकि हमने मैदा यूज़ नहीं किया है, तो अगर हमें क्रिस्पी उसका ऊपर का कवरिंग चाहिए तो थोड़ा सा हम नॉर्मल कड़क रखेंगे आटा। गाइस और अभी देखिए मैं बना रही हूँ, इसको पानी का हाथ दिया है, उसका कोन बना लेंगी अच्छे से, कॉर्नर को हम चिपका देंगे।
अभी ये इसमें बटर ज़्यादा है ना, तो कभी कभी खुल जाता है, तो हम क्या करेंगे इसमें साइड में पानी लगा के अच्छे से इसको कवरिंग करेंगे, एक फोल्ड ले लेंगे आगे से, तो हमारा समोसा खड़ा रहेगा। गाइस उंधिया समोसा बहुत अच्छा बहुत टेस्टी होता है गाइस, आप ज़रूर ट्राई करना इसको। और एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको एक उंधिया का रेसिपी दिया है, आप इस तरह से भी उंधिया बना सकते हैं, खाली इसमें मैंने मुठिया नहीं डाला है, बाकी परफेक्ट रेसिपी है एक उंधिया बनाने का। और मैंने एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स नहीं डाले, बहुत जन को है ना बहुत वेजिटेबल्स पसंद नहीं आते, तो इतने वेजिटेबल्स से भी आपका उंधिया माइंड ब्लोइंग बनेगा गाइस, आपको तारीफ ही मिलने वाली है, ये उंधिया परफेक्ट है। और लो ऑयल में, कम ऑयल में बनाया है, एक्चुअली ऑयल उंधिया में ऑयल बहुत लगता है, लेकिन आपने देखा मैंने कम ऑयल में ये पूरा बनाया है। और गाइस देखिए अभी हमारे समोसे रेडी है, अब हम धीरे गैस पे समोसे को तलेंगे, देखिए बहुत धीरे गैस पे, ताकि हमारा जो ऊपर का कवरिंग है वो क्रिस्पी बने। गाइस बहुत क्रिस्पी बनता है, रवा और आटे का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा जाता है गाइस किसी भी नाश्ते के लिए। तो अभी गाइस देखिए अभी मैं रगड़ा बनाऊंगी हमारे उंधिये में से, तो उंधिये की बहुत सारी आइटमें आज हम बनाएंगे। गाइस देखिए मैंने जीरा डाला है और उसमें मैं डालूंगी हींग, उसको क्रैकल करेंगे, पानी डाल देंगे, अभी पानी को पहले हम उबालेंगे और उसके अंदर मैं उंधिया डालूंगी, ताकि क्या होगा हमें रगड़ा एकदम गाढ़ा हो, सेमी गाढ़ा मिलेगा। गाइस एकदम गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि समोसे रगड़े में रगड़ा कभी भी कोई भी रगड़ा थोड़ा पतला होना चाहिए, बहुत गाढ़ा मज़ा नहीं आता। तो फिर मैंने सेमी रगड़ा बना लिया है, देखिए गाइस दिख रहा है। और अब हम क्या करेंगे समोसे को तोड़ेंगे, दो समोसे को, समोसे तो हम मीठी खट्टी चटनी के साथ खाते ही हैं, लेकिन अभी हम ये रगड़ा बनाएंगे, समोसा चाट बनाएंगे। समोसा चाट के लिए मैंने देखो समोसे के ऊपर मैंने रगड़ा डाला है, कांदा, टमाटर, कोरिएंडर, सेव, तीखी मीठी चटनी, ये सब बना के हम हमारे पेटीज रेडी करेंगे गाइस चाट। गाइस ये समोसा चाट माइंड ब्लोइंग लगता है, अगर आपने ये आपके मेहमानों को घर वालों को सर्व किया आपको तारीफें ही मिलेगी, ये गारंटेड है। और ये माइंड ब्लोइंग चाट आप ज़रूर ट्राई करना। और मैंने इस टाइम उंधिये का एकदम सिंपल वर्जन आपको दे दिया है, आप कभी भी बना सकते हैं। और गाइस इफ़ यू लाइक माय रेसिपीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट कीजिए अगर अच्छा लगे तो।